हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल बीट द नीट। और कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग, कैसी तैयारी चल रही है? आई होप आप लोग इन ऑडियो बुक्स को जितना आप लोग इसे सुन रहे होंगे उतना ही आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि डेफिनेटली आई नो दैट कि आप लोगों की ऑडियो बुक आपकी एनसीईआरटी को रिवाइज करने में तो ज़रूर 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 हेल्प करती हैं। आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपने रिवाइज करने के तरीके को शेयर करते रहिएगा। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे तरीके शेयर करे हैं, कुछ रात में रिवाइज करते हैं, इससे सुनते हैं ऑडियो बुक एनसीईआरटी को लेकर के साथ में बैठते हैं, और साथ में कुछ अर्ली मॉर्निंग जो बच्चे हैं वो उठ करके जल्दी आपके रिवाइज करते हैं एनसीईआरटी के साथ में। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ज़्यादातर बच्चे हेडफोन्स लगा करके सुनते हैं ऑडियो बुक को और साथ में वो एनसीईआरटी एंड पेंसिल लेकर के रिवाइज कर रहे हैं, ताकि उनको कहीं पे भी उनका किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्शन ना हो जाए। जब आपके कान में वही चीज़ चल रही होती है और सामने आपके बुक खुली होती है ना, तो आपका रिवीजन बेस्ट वे में होता है। ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि इस ये तरीका जो है ये ज़्यादातर बच्चों ने मुझसे शेयर किया है, तो इसका मतलब ये तरीका जो है ज़्यादा कारगर है। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा क्या एक्चुअल में ऐसा है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे 1 मिनट बायोलॉजी के वीडियोस ज़रूर देख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी उनको शेयर कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 19, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, इन शॉर्ट दैट इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन चैप्टर इट इज़। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं अपनी ऑडियो बुक। प्राणी उपापचयी अथवा अत्यधिक अंतःग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतया या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। इस अध्याय में आप इन पदार्थों साथ ही विशेष रूप से साधारण नाइट्रोजनी अपशिष्टों के निष्कासन का अध्ययन करेंगे। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक है। इनमें अमोनिया सर्वाधिक टॉक्सिक है और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। यूरिक एसिड कम आवेश है और जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जा सकता है। अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनियोत्सर्ग कहते हैं या प्रक्रिया कहते हैं। अनेक अस्थिल मछलियाँ, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति के हैं, अमोनोटेलिक। अमोनिया सरलता से घुलनशील है और इसलिए आसानी से अमोनिया आयनों के रूप में शरीर की सतह या मछलियों के क्लोम या गिल की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इस उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती। इन प्राणियों को अमोनोटेलिक कहते हैं। स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल और की हानि से बचने के लिए प्राणी कम आवेश नाइट्रोजनी अपशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी कई स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियां मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करती हैं या यूरियोटेलिक कहलाते हैं। इन प्राणियों में उपापचय क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है, जिसे वृक्कों द्वारा निस्यंदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। कुछ प्राणियों के वृक्कों की आधात्री यानी मैट्रिक्स में अपेक्षित परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स, पक्षियों, स्थलीय घोंघों तथा कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक एसिड का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है और ये यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अधिकांश अकशेरुकी में ये संरचना सरल नलिकाकार रूप में होती है, जबकि कशेरुकियों में जटिल नलिकाकार अंग होते हैं जिन्हें वृक्क कहते हैं। इन संरचनाओं के प्रमुख रूप नीचे दिए गए हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया या ज्वाला कोशिकाएं, प्लेटीहेलमेंथीस, चपटे कृमि जैसे प्लेनेरिया, रोटिफर कुछ एनेलेट, सिफेलोकॉडिट, एम्फियोक्सस आदि में उत्सर्जी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। आदि वृक्क प्राथमिक रूप से आयनों व द्रव के आयतन नियमन जैसे परासरण नियमन से संबंधित है। केचुए व अन्य एनिलिड में नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्टों को उत्सर्जित करने तथा द्रव और आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। तिलचट्टों सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मैल्पिगी नलिकाएं पाई जाती हैं। मैल्पिगी नलिकाएं, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन और परासरण नियमन में मदद करती हैं। प्रॉन जैसे क्रस्टेशियाई प्राणियों में श्रृंगिक ग्रंथियां या हरित ग्रंथियां, ग्रीन ग्लैंड्स, उत्सर्जन का काम करती हैं। 19.1 मानव उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। वृक्क सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा ये अंतिम वक्षीय और तीसरे कटी कशेरुका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं।
वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर तथा भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल यानी कॉनकेव सतह के मध्य में एक खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। इसे होकर मूत्रनलिका, रक्तवाहिनियाँ और तंत्रिकाएँ प्रवेश करती है। हाइलम के भीतरी ओर कीप के आकार का रचना होती है जिसे वृक्कीय श्रोणि यानी पेल्विस कहते हैं तथा इससे निकलने वाले प्रक्षेपों यानी प्रोजेक्शंस को कैलिक्स कहते हैं। वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। वृक्क में दो भाग होते हैं, बाहरी वलकुट यानी कॉर्टेक्स और भीतरी मध्यांश यानी मेड्यूला। मध्यांश कुछ शंकुआकार पिरामिड यानी मध्यांश पिरामिड में बटा होता है जो कि चशकों में फैले रहते हैं। वलकुट मध्यांश पिरामिड पिंडों के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं जिन्हें बर्टिनी स्तंभ यानी कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कहते हैं। चित्र 19.2 आप देख सकते हैं, वृक्क यानी किडनी का एक भाग, और ये आप पूरा एक्सक्रिटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स देख सकते हैं डायग्राम। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचना नेफ्रॉन पाई जाती हैं जो क्रियात्मक इकाइयां हैं यानी फंक्शनल यूनिट है। प्रत्येक वृक्काणु के दो भाग होते हैं जिन्हें हम ग्लोमेरुलस और वृक्क नलिका कहते हैं। ग्लोमेरुलस धमनी की शाखा अभिवाही धमनिकाओं एफरेंट आर्टेरियोल से बनी कोशिकाओं कैपिलरी का एक गुच्छा है। ग्लोमेरुलस से रक्त अपवाही धमनिका यानी एफरेंट आर्टेरियोल द्वारा ले जाया जाता है। यहाँ पे आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्यालेनुमा बोमेन संपुट यानी बोमेन कैप्सूल से प्रारंभ होती है जिसके भीतर ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल मिलकर मेल्पिगिय अथवा कॉप्सल्स बनाते हैं। ये आप 19.4 देख सकते हैं डायग्राम। बोमेन कैप्सूल से एक अतिकुंडलित पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जिसे हिंदी में समीपस्थ संवलित नलिका प्रारंभ होती है। इसके बाद वृक्काणु में हेयर पिन के आकार का हेनले लूप पाया जाता है जिसमें आरोही व अवरोही भुजा होती है। आरोही भुजा से एक और अतिकुंडलित नलिका दूरस्थ संवलित यानी कि डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल DCT प्रारंभ होती है। अनेक वृक्काणुओं की दूरस्थ संवलित नलिकाएँ एक सीधी संग्रह नलिका यानी कि कलेक्टिंग डक्ट में खुलती हैं। अनेक संग्रह नलिकाएँ मिल करके चशकों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वृक्कीय श्रेणी में खुलती है। वृक्काणु की वृक्क कणिका समीपस्थ संवलित नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका आदि वृक्क के वलकुट भाग में जबकि हेनले लूप मध्यांश में स्थित होते हैं। अधिकांश वृक्काणु के हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धसे रहते हैं। ऐसे वृक्काणुओं को वलकुटीय वृक्क कहते हैं। कुछ वृक्काणुओं के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धसे रहते हैं। इन्हें सानिध्य मध्यांश वृक्काणु यानी जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। ग्लोमेरुलस से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म केशिकाओं का जाल बनाती है जिसे परिनालिका केशिका जाल कहते हैं। इस जाल से निकलने वाली एक एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समानांतर चलते हुए यू आकार की संरचना वासारेक्टा बनाती है। वलकुटी वृक्काणु में वासारेक्टा या तो अनुपस्थित या अत्यधिक वासित होती है। 19.2 यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में तीन मुख्य प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, गुच्छीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण, स्त्रवण, जो वृक्काणु के विभिन्न भागों में होता है। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है जिसे गुच्छ या गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन किया जाता है जो कि हृदय द्वारा एक मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5 भाग के बराबर होता है। ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं का रक्त दाब रुधिर का 3 परतों में से निस्यंदन करता है। ये 3 परतें हैं गुच्छ की रक्त कोशिका की आंतरिक उपकला, बोमेन कैप्सूल की उपकला तथा इन दोनों परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली। बोमेन कैप्सूल की उपकला कोशिकाएं पोडोसाइट्स कहलाती है जो विशेष प्रकार से विन्यासित होती है जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं। इन्हें निस्यंदन खांच या खांच छिद्र या स्लिट पोर कहते हैं। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह छनता है जिससे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इसे परानिस्यंदन यानी अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा गुच्छी निस्यंदन दर यानी GFR कहलाती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 ml प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है।
गुच्छी आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवलित नलिका की केशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट इन आसन गुच्छ केशिकाओं को रेनिन के श्रवण के सक्रिय करती है, जो वृक्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छ निस्यंदन दर को पुनः सामान्य कर देती है। प्रतिदिन बनने वाले निस्यंदन के आयतन 180 लीटर प्रतिदिन की उत्सर्जित मूत्र 1.5 लीटर से तुलना की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% निस्यंद को वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, जिसे पुनः अवशोषण कहते हैं। यह कार्य वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाओं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती है। उदाहरणार्थ निस्यंद पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम आयन इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन से पुनरावशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजनी निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनरावशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निस्यंद में हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित करती हैं। नलिकाकार स्रवण भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनी व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। 19.3 वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य। समीपस्थ संवलित नलिका, यह नलिका सरल यानी कि PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यह नलिका सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला यानी एपिथिलियम से बनी होती है, जो पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व 70-80% वैद्युत अपघट्य और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है। समीपस्थ संवलित नलिका शारीरिक तरलों के pH तथा आयनी संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और पोटेशियम आयनों के निस्यंद में स्रवण और HCO3 आयन का पुनरावशोषण करती है। हेनलेज लूप, आरोही भुजा में न्यूनतम पुनरावशोषण होता है। यह भाग मध्यांश में उच्च अंतराकाशीय तरल की परासरणता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, परंतु वैद्युत अपघट्य के लिए सक्रियता से या धीरे धीरे पारगम्य होती है। यह नीचे की ओर जाते हुए निस्यंद को सांद्र करती है। आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, लेकिन वैद्युत अपघट्य का अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप से करती है। जैसे जैसे सांद्र निस्यंद ऊपर की ओर जाता है, वैसे वैसे वैद्युत अपघट्य के मध्यांश तरल में जाने से डाइल्यूट होता जाता है। यहाँ पे आप एब्जॉर्प्शन का कंप्लीट डायग्राम देख सकते हैं। नाउ DCT डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम आयन और जल का कुछ पुनरावशोषण इस भाग में होता है। दूरस्थ संवलित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा pH बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट्स का पुनरावशोषण एवं हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया का चयनात्मक स्रवण करती है। संग्रह नलिका या लंबी नलिका वृक्क के बलकुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। यह भाग मध्यांश के अंतराकाशी की परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। यह pH के नियमन तथा हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयनों के चयनात्मक स्रवण द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है। 19.4 निस्यंद को सांद्रण करने की क्रियाविधि। स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं। इस कार्य में हेनलेज लूप तथा वासा रेक्टा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेनलेज लूप की दोनों भुजाओं में निस्यंद का विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है, जिससे प्रतिधारा उत्पन्न होती है। वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त का बहाव भी प्रतिधारा प्रतिरूप यानी पैटर्न में होता है। हेनलेज लूप व वासा रेक्टा के बीच की नजदीकी तथा उनमें प्रतिधारा मध्यांशी अंतराकाश मेडुलरी इंटरस्टिशियम के परासरण दाब को विशेष प्रकार से नियमित करती है। परासरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है, जैसे कि बलकुट की ओर 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर से आंतरिक मध्यांश में लगभग 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। यह प्रवणता सोडियम क्लोराइड तथा यूरिया के कारण बनती है। NaCl का परिवहन हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है, जिसे हेनलेज लूप की अवरोही भुजा के साथ विनमित किया है। सोडियम क्लोराइड अंतराकाश को वासारेक्टा की आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। इसी प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हेनले लूप के पतले आरोही भाग में विसरण द्वारा प्रविष्ट होती है, जो संग्रह नलिका द्वारा अंतराकाशी को पुनः लौटा दी जाती है। ऊपर वर्णित पदार्थों का परिवहन हेनले लूप तथा वासारेक्टा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है, जिसे प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं। यह क्रियाविधि मध्यांश के अंतराकाशी की प्रवणता को बनाए रखती है। इस प्रकार की अंतराकाशी प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान देती है और निस्यंद का सांद्रण करती है। चित्र 19.6
हमारे वृक्क प्रारंभिक निस्यंद की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र उत्सर्जित करते हैं। यह निश्चित है कि जल के ह्रास को रोकने के लिए यह एक मुख्य क्रिया विधि है। ये 19.6 आप देख सकते हैं डायग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। 19.5 वृक्क क्रियाओं का नियमन। वृक्कों की क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलमस के हार्मोन का पुनर्भरण क्रियाविधि सानिधिगुच्छ उपकरण जेजीए और कुछ सीमा तक हृदय द्वारा होता है। शरीर में उपस्थित परासरण ग्राहियां रक्त आयतन शरीर तरल आयतन और आयनी सांद्रण में बदलाव द्वारा सक्रिय होती है। शरीर में मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास यानी डायूरेसिस इन ग्राहियों को सक्रिय करता है जिसे हाइपोथैलमस प्रतिमूत्रल हार्मोन यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH और न्यूरोहाइपोफाइसिस को वैसोप्रेसिन के स्राव हेतु प्रेरित करता है। ADH नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है और मूत्रलता को रोकता है। शरीर तरल के आयतन में वृद्धि परासरण ग्राहियों को निष्क्रिय कर देती है और पुनर्भरण को पूरा करने के लिए ADH के स्रवण को निरोध करती है। ADH वृक्क के कार्यों को रक्त वाहिनियों पर संकुचनी प्रभावों द्वारा प्रभावित करता है। इससे रक्तदाब बढ़ जाता है। रक्तदाब बढ़ जाने से गुच्छ प्रभाव बढ़ जाता है और इससे GFR बढ़ जाता है। JGA की जटिल नियमनकारी भूमिका है। गुच्छीय रक्त प्रवाह, गुच्छीय रक्तदाब, GFR में गिरावट से JG कोशिकाएं सक्रिय होकर रेनिन को मुक्त करती हैं। रेनिन रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 और बाद में एंजियोटेंसिन 2 में बदल देती है। एंजियोटेंसिन 2 एक प्रभावकारी वाहिका संकीर्णक यानी वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो गुच्छीय रुधिरदाब तथा GFR को बढ़ा देता है। एंजियोटेंसिन 2 अधिवृक्क वल्कुट को एल्डोस्ट्रॉन हार्मोन स्रवण के लिए प्रेरित करता है। एल्डोस्ट्रॉन के कारण नलिका के दूरस्थ भाग में सोडियम आयन तथा जल का पुनरावशोषण होता है। इससे भी रक्तदाब तथा GFR में वृद्धि होती है। यह जटिल क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि कहलाती है। हृदय के आलिंदों में अधिक रुधिर के बहाव से आलिंदीय नेट्रीयूरेटिक फैक्टर स्रावित होता है। ANF से वाहिका विस्फारण यानी रक्त वाहिकाओं का विस्फारण होता है जिससे रक्तदाब कम हो जाता है। इस प्रकार के ANF क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर नियंत्रक का काम करता है। 19.6 मूत्रण। वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने पर तक संग्रहित रहता है। मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप यह संकेत उत्पन्न होता है। मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन तथा मूत्रावशयी अवरोधनी के शिथिलन हेतु एक प्रेरक संदेश जाता है जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है और इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 to 1.5 liter मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र एक विशेष गंध युक्त जलीय तरल है जो रंग में हल्का पीला तथा थोड़ा अम्ली यानी pH 6 होता है। औसतन प्रतिदिन 25 to 30 gram यूरिया का उत्सर्जन होता है। विभिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती हैं। मूत्र का विश्लेषण वृक्कों के कई उपापचयी विकारों और उनके ठीक से कार्य न करने की कुसंक्रिया जैसे कि रोग निदान में मदद करता है। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया तथा कीटोन काय की उपस्थिति कीटोनूरिया मधुमेह डायबिटीज मेलिटस के लक्षण हैं। 19.7 उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका। वृक्कों के अलावा फुफ्फुस यकृत तथा त्वचा भी उत्सर्जी अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। हमारे फेफड़े प्रतिदिन भारी मात्रा में CO2 लगभग 200 ml/min और जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन करते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पित्त का स्राव करती है जिसमें बिलिरुबिन बिलिवर्डिन कोलेस्ट्रॉल निम्नीकृत स्टीरॉयड हार्मोन विटामिन तथा औषध आदि होते हैं। इन अधिकांश पदार्थों को अंततः मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। त्वचा में उपस्थित संवेद ग्रंथियाँ स्वेद ग्रंथियाँ तथा तैल ग्रंथियां भी स्राव द्वारा कुछ पदार्थों का निष्कासन करती हैं। स्वेद ग्रंथि द्वारा निकलने वाला पसीना एक जलीय द्रव है जिसमें नमक कुछ मात्रा में यूरिया लैक्टिक एसिड इत्यादि होते हैं। हालांकि पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा सतह को ठंडा रखना है लेकिन यह ऊपर बताए गए कुछ पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायता करता है। तैल ग्रंथियां सीबम द्वारा कुछ स्टेरॉल हाइड्रोकार्बन एवं मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन करती हैं। ये स्राव त्वचा को सुरक्षात्मक तैली कवच प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्टों का निष्कासन लार द्वारा भी होता है। 19.8 वृक्क विकृतियां। वृक्कों की कुसंक्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है जिसे यूरिमिया कहते हैं जो कि अत्यंत हानिकारक है।
ये वृक्कपात के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन हीमोडायलिसिस यानी रक्त अपोहन द्वारा होता है। हीमोडायलिसिस के प्रक्रम में रोगी की धमनी से रक्त निकालकर उसमें हेपेरिन जैसा कोई थक्कारोधी मिलाकर अपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है, हीमोडायलिसिस यूनिट, जिसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं। इस इकाई में कुंडलित सल्फोन नली होती है, सेलोफेन नली होती है और यह ऐसे द्रव से घिरी रहती है जिसकी संगठन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होती है। छिद्र युक्त सेलोफेन झिल्ली से अपोवहनी द्रव में अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होता है, यानी उनकी कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग। अपोवहनी द्रव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध करते हैं। शुद्ध रक्त में हेपेरिन विरोधी डालकर उसे रोगी की शिराओं द्वारा पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। यह विधि संसार में यूरेमिक व्याधि से हजारों पीड़ितों के लिए एक वरदान है। वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय वृक्क प्रत्यारोपण है। प्रत्यारोपण में मुख्यतः निकट संबंधी दाता के क्रियाशील वृक्क को उपयोग किया जाता है, जिससे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसे अस्वीकार नहीं करे। आधुनिक क्लिनिकल विधियां इस प्रकार की जटिल तकनीक की सफलता की दर को बढ़ाती हैं। रिनल कैलकुलाई, वृक्क में बनी पथरी या घुलनशील क्रिस्टलित लवण के पिंड जैसे ऑक्सलेट आदि, ग्लोमेलनोफ्राइटिस, वृक्क के गुच्छ शोध की प्रदाहकता। सारांश यानी समरी, शरीर में विभिन्न क्रियाओं द्वारा कई नाइट्रोजनी पदार्थ आयन CO2 जल आदि इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें से अधिकांश शरीर के समास्थापन में रखने के लिए विभिन्न विधियों द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। भिन्न भिन्न प्राणियों में नाइट्रोजनी अपशिष्टों की प्रकृति, उनका निर्माण और उत्सर्जन विभिन्न प्रकार से होता है, जो मुख्यतः जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। उत्सर्जित किए जाने वाले मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड है। आदिवृक्की प्रोटोनेफ्रिडिया, वृक्क मैल्पिगी कोशिकाएं यानी नलिकाएं, मैल्पिगिन ट्यूब्यूल्स, हरित ग्रंथियां, ग्रीन ग्लैंड और वृक्क प्राणियों के मुख्य उत्सर्जी अंग हैं। ये न केवल नाइट्रोजनी अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालते हैं, बल्कि शरीर द्रवों में आयनी और अम्ल क्षार संतुलन भी बनाए रखते हैं। मानव के उत्सर्जी तंत्र में एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग सम्मिलित है। प्रत्येक वृक्क में 1 मिलियन नलिकाकार संरचनाएं वृक्काणु होते हैं। वृक्काणु वृक्क की क्रियात्मक इकाई हैं और उसके 2 भाग होते हैं, गुच्छ और वृक्क नलिका। गुच्छ अविवाही धमनिकाओं से बना कोशिकाओं का गुच्छ है, जो कि वृक्क धमनी की सूक्ष्म शाखाएं होती हैं। वृक्क नलिका का प्रारंभ धूरी भित्ति युक्त बोमन संपुट यानी बोमन कैप्सूल से होता है, जो आगे PCT हेनलेज लूप तथा DCT नलिका में विभेदित होती हैं। कई वृक्काणु की दूरस्थ सम्मिलित नलिकाएं एकत्रित होकर संग्रह नलिका बनाती हैं, जो अंत में मध्यांश पिरामिड में से होकर वृक्क की श्रोणी में खुलती हैं। बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर मैल्पिगिन काय या वृक्क कणिका यानी कॉप्सल्स बनाते हैं। मूत्र निर्माण में 3 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं, निस्यंदन, पुनरावशोषण और स्त्रवण। निस्यंदन गुच्छ द्वारा कोशिकाओं के रक्तदाब का उपयोग कर संपादित की जाने वाली अचयनात्मक प्रक्रिया है। गुच्छ द्वारा बोमन संपुट में प्रति मिनट 125 ml निस्यंद बनाने के लिए प्रति मिनट 1200 ml रक्त का निस्यंदन होता है, GFR। वृक्काणु के विशेष भाग JGA के GFR के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका है। निस्यंद के 99% भाग का वृक्काणु के विभिन्न भागों द्वारा पुनरावशोषण किया जाता है। समीपस्थ सावलित नलिका PCT पुनरावशोषण और चयनात्मक स्त्रवण का मुख्य स्थान है। वृक्क मध्यांश अंतराकाशी में हेनले लूप परासरण प्रवणता को नियमित करने में सहायता करती है। दूरस्थ यानी DCT और संग्रह नलिका जल और विद्युत अपघट्यों का पुनरावशोषण करती है, जो परासरण नियमन में सहायक है। शरीर तरल के आयनी साम्य और उसके pH को बनाए रखने के लिए नलिकाओं द्वारा हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और NH3 निस्यंद स्त्रावित होते हैं। अमोनिया का नलिकाओं द्वारा स्त्राव भी होता है। प्रतिधारा क्रियाविधि हेनले लूप की 2 भुजाओं और वासा रेक्टा के बीच कार्य करती है। निस्यंद जैसे जैसे अवरोही भुजा में नीचे उतरता है, वैसे वैसे सांद्र होता जाता है, लेकिन आरोही भुजा में यह पुनः तनु हो जाता है। इस व्यवस्था के द्वारा वैद्युत अपघट्य और कुछ यूरिया अंतराकाशी स्थल में बचे रह जाते हैं। DCT और संग्रह नलिका निस्यंद को 4 गुना अधिक सांद्र कर देते हैं, अर्थात 300 mOsm/L से 1200 mOsm/L तक। यह जल संरक्षण की उत्तम क्रियाविधि है। मूत्राशय में मूत्र का संग्रह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत प्राप्त होने तक किया जाता है। संकेत प्राप्त होने पर मूत्र मार्ग द्वारा इसका निष्कासन मूत्रण कहलाता है। त्वचा, फेफड़े और यकृत भी उत्सर्जन में सहयोग करते हैं। और इसी के साथ ही आपका यह चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आप लोगों को कैसी लगी मेरी यह ऑडियो बुक? अगर इसने हेल्प की हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक ले टाटा, बाय बाय एवरीवन, जस्ट स्टे ट्यून विद मी, बाय बाय।